आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। ठीक है, जिसका पहला और दूसरा सवाल हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुपातों ए1 अपन ए2, बी1 अपन बी2, सी1 अपन सी2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, जिसमें पहला दूसरा तीसरा करके 5 सवाल दिए हुए हैं। तो संगत या असंगत पहचानने के लिए आपको सबसे पहले रेखाओं के बारे में समझना होगा और कौन कौन सा कंडीशन होता है कि कौन सी रेखाएं संगत होंगी और कौन सी रेखाएं असंगत होंगी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं जिसको हम मान लें कि a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, और एक और कोई मान लें a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं जिसमें मान लीजिए, देखिए तो इनका अनुपात जब हम लेते हैं तो देखिए रेखाएं जो हैं तीन प्रकार की होती हैं। पहला मान लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा होता है समांतर रेखा, और तीसरा एक होता है संपाती रेखा, मतलब एक के ऊपर एक रेखा होती है ना। तो देखिए जहाँ जहाँ सॉल्यूशन हमें मिलता है, हम कह सकते हैं कि अगर हमें हल मिले, हल का मतलब अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं फिर स्पर्श करती हैं एक दूसरे को, तो वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं ना। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसका कोई हल, कोई ना कोई एक हल होगा। जब हल होगा तो ये क्या है, एक संगत है। तो आप लिख देंगे ये क्या है, संगत है। बस समझ लीजिए, इसके बाद आप आसानी से लगा सकते हो इसे। तो आइए देखते हैं दूसरा हमारा क्या कह रहा। देखिए ये है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का आप कितना हो दूर तक बढ़ाते चले जाइए, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या फिर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो ये क्या होता है, संगत नहीं है, संगत नहीं है। ठीक, और ये जो होता है तीसरा रेखा, ये क्या होता है, संपाती रेखा। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक। तो संपाती रेखा क्या है, देखिए स्पर्श करता हुआ पूरा स्पर्श ही कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि जो संपाती रेखा है वो भी संगत है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि ये और ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं और ये संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। बाकी जो रेखा है ये समांतर रेखा संगत नहीं होता है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो सिंबॉलिक तरीके से आपको समझाया गया है, तो आप कहोगे कि हमारे पास तो सिंबल दिया नहीं रहेगा तो कैसे लगाएंगे। तो आप देखिए हम बता रहे हैं कि A1 अपॉन A2 जो अनुपात होता है वो लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब दोनों का अनुपात बराबर नहीं रहता है तो वो कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। अलग कर देते हैं इसको। अब देखिए इसके लिए होता है A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होता है। और तीसरा क्या होता है कंडीशन, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये क्या होता है, C1 अपॉन C2। तो हम देखेंगे ये चित्र से अभी आप समझ रहे हो और सिंबॉलिक तरीके से और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के माध्यम से भी आप समझ चुके हो कि कैसे कौन कौन सी रेखाएं संगत होती है और असंगत होती है। तो आइए हम सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नोट करिए, देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 जो कह रहा है कि अनुपातों A1 अपन A2, B1 अपन B2, C1 अपन C2 की तुलना कर बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण क्या है, संगत हैं या नहीं है, संगत है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, वो कांस्टेंट टर्म को देखते हैं कि x का गुणांक, y का गुणांक और कांस्टेंट टर्म कितना है, उसको A1 अपन A2 और B1 अपन B2 और C1 अपन C2 में करके हम उसे जांचते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमारा काम ये होता है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो देखेंगे कि ये जो दिया उसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3x प्लस 2y और 5 को इधर लाइए, क्योंकि हमने अभी एक रेखा पढ़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो आप इससे तुलना इसको करेंगे, फिर वैसे जो अभी हमने एक बताया इस समीकरण आपको कि a2x प्लस b2y प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, उससे समीकरण 2 की तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है। और ये वाला क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको तुलना किस चीज़ से करेंगे, बस ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम तुलना करेंगे इसका इससे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का, देखिए सॉरी एक्स का गुणांक इसमें क्या है, a1 है, तो इसका एक्स का गुणांक कितना है, 3 है। तो तुलना करने पे क्या होगा, हमें मिलेगा a1 इक्वल टू 3, b1 बराबर, देखिए b1 वाई का गुणांक है तो इसमें वाई का गुणांक कितना है, 2 है, c2 इक्वल टू, देखिए सॉरी c1
सी वन इक्वल टू कितना है इसमें, माइनस पाँच है, तो लिख देंगे माइनस पाँच। ऐसे ही इसमें भी देखते हैं, ए टू इक्वल टू कितना है, दो है, बी टू बराबर माइनस तीन है, और सी टू बराबर कितना है, माइनस सेवन है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अनुपात कौन कौन सा बराबर है, तभी तो हम देखेंगे कि कौन से रेखाएं समांतर है, कौन कौन सी संपाती और कौन कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात होगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू थ्री बाई टू, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू टू अपॉन, देखिए टू अपॉन माइनस थ्री। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू जो है तीन बटा दो है, और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू क्या है, माइनस दो बटा तीन है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो क्या कह देंगे कि दोनों बराबर नहीं है, तो बोल दीजिए चूंकि ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू से, इसलिए ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, जब इंटरसेक्ट कर रहा था एक दूसरे को, तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू था, तो क्या देंगे कि ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए ऐसे होता है तो वो एक बिंदु पे तो कट करता है ना, इसलिए क्या है ये संगत है, तो हम क्या देंगे, इसलिए ये इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है, अतः ये क्या है, ये संगत है। नोट करिए, समय की बचत के लिए हमने क्या किया, ये जो प्रश्न है उसका पार्ट हमने लिख लिया, तो पहला हम कर चुके हैं, दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा ऐसे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दूसरा हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, वो समीकरण दिया हुआ है ऐसे, देखिए तीसरे का दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो तुलना करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो देखिए a1 इक्वल टू कितना हमारा, a1 इक्वल टू 2 है, b1 बराबर कितना है, माइनस 3 है, और c1 ये जो है वैल्यू हम पहले समीकरण में क्या किए थे, इधर लाए थे, तो क्या करेंगे 8 प्लस में है, 8 प्लस में है तो इधर आएगा, तो माइनस में हम क्या कह देंगे कि c1 बराबर माइनस 8। ठीक है, वैसे देखिए a2 इक्वल टू कितना है, 4 है, b2 इक्वल टू कितना है, माइनस 6 है, c2 इक्वल टू कितना है, ये भी इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 9। अब हम क्या करते हैं कि अनुपात लेते हैं, तो a1 अपन a2 तो 2 बटा 4, आप इसे काट भी सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 2। फिर देखिए अब हम क्या देखेंगे, b1 अपॉन b2, जब ये देखेंगे माइनस 3 बटा माइनस 6, तो आप देखोगे माइनस से माइनस भी कैंसल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो इसका मान भी कितना मिला, 1 बटा 2 मिला। अब फिर हम देखेंगे c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है, तो माइनस 8 अपॉन माइनस 9, तो माइनस माइनस तो कैंसल होगा लेकिन 8 अपॉन 9 कैंसल नहीं होने वाला है, तो क्या देखेंगे कि हम कि ए 1 बाई 2 ये भी है, 1 बाई 2 ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि a1 वन अपॉन ए टू बराबर है b1 वन अपॉन बी टू के, लेकिन वो तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशन था हमारा, दूसरा रेखा था, जब दो रेखा दो अनुपात बराबर हो तीसरा बराबर ना हो, तो कौन सा समीकरण था हमारा, समांतर रेखा, तो लिख देंगे इसलिए ये क्या है, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, चूंकि समांतर रेखा देखिए ऐसे होता है, होता ना ऐसे, तो ये कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करता, तो या कोई भी सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, असंगत है, अतः ये रेखाएं असंगत हैं, असंगत हैं। नोट करिए, देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2x ऐसे करके दिया हुआ है, हम डायरेक्ट इसको तुलना करते हैं, तो लिखेंगे कि a1 इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए a1 मतलब x का गुणांक पहले वाले समीकरण में, तो ये है 3/2, b1 इक्वल टू है 5/3, और c1 इक्वल टू है -7, क्योंकि 7 उधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा -7, तो क्या देंगे कि c1 इक्वल टू -7। वैसे देखिए a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर कितना होगा -14, तो आप इसको सॉल्व करिए, फिर देखेंगे अनुपात हमें देखना है, लिख दीजिएगा अब अनुपात a1 अपॉन a2 बराबर, a1 है ये a2 है, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/2 अपॉन 9। बहुत से बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कैसे इसको डिवाइड करें, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो नीचे वाली वैल्यू है उसको बटे में लेके और उसको उलाट के गुणा कर देते हैं, उलाट के गुणा करने का मतलब जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसको लिख दें ऐसे, अब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इसको उलाट के ऐसे लिख देंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 3 और 9 कट सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, तो ऊपर हुआ 1 एक कम 1, 2 तिहाई
छः, कितना मिला ए वन अपन ए टू का मान मिला एक बटा छः। वैसे बी वन अपन बी टू का देखते हैं, तो बी वन अपॉन बी टू, बी वन अपॉन बी टू दे देखिए पाँच बटा तीन और बटे में कितना है माइनस दस, माइनस दस ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इसको भी क्या करेंगे पाँच बटा तीन और इसको उलाट के बटा में एक लिख दीजिए, बटे में माइनस दस। तो देखिए पाँच दूनी दस, पाँच एक कम पाँच, तो आप देखोगे ऊपर एक नीचे तीन दूनी छः, माइनस के साथ छः आ रहा है। बी वन अपन बी टू क्वेश्चन देखें तीसरा सही है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो वैल्यू जो है सी वन अपन सी टू है ना, वो क्या है माइनस सेवन अपन माइनस फोर्टीन, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप, सात एकम सात, सात दूनी चौदह, मतलब कितना मिला एक बटा दो मिला ठीक है। अब तो देखिए क्या कर सकते हैं इसको, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ए वन अपन ए टू का मान एक बटा छः है और बी वन अपन बी टू का मान माइनस एक बटा छः है, तो आप देखोगे कि माइनस वाली वैल्यू कभी भी प्लस वाली वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम कह देंगे कि ए वन अपन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू, तो क्या होगा यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि ए वन अपन ए टू ही बराबर नहीं है बी वन अपन बी टू के, क्योंकि क्योंकि ये कौन सी रेखा है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसलिए ये जब दोनों बराबर नहीं है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ऐसे होता है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा ही, तो हम कह देंगे कि इसका एक सॉल्यूशन है अर्थात ये संगत है, अतः ये रेखाएं संगत है, संगत है ठीक है। नोट करिए मिटा रहे हैं, देखिए हमारा चौथा सवाल इसमें क्या क्या कह रहा है, तीसरे का चौथा कह रहा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22 दिया हुआ है। तो इस यहीं से हम डायरेक्ट उसकी कंपेयरिंग करते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना हो रहा है, तो देखेंगे कि a1 बराबर हमें मिल रहा है 5, a1 बराबर x का गुणा 5, b1 बराबर माइनस 3, देखो y के साथ किस चीज़ का गुणा है माइनस 3 का गुणा है, तो क्या लिख देंगे b1 बराबर माइनस 3 इसलिए, और c1 बराबर देखिए 11 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 11 माइनस 11। वैसे ही फिर दूसरे वाले समीकरण में हम देखेंगे ए टू बराबर एक्स का गुणांक माइनस 10 है तो क्या लिखोगे माइनस 10, बी टू बराबर कितना है 6 है और सी टू बराबर कितना है माइनस 22 है ठीक। तो देखिए ये कॉमा है साथ में, तो हम अब अनुपात देखेंगे, तो ए वन अपॉन ए टू देखेंगे कितना है 5 बटा माइनस 10, इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बटा 2 माइनस के साथ है ना माइनस। अब वैसे हम क्या करेंगे बी वन अपॉन बी टू को भी देखेंगे, बी वन अपॉन बी टू ये है माइनस 3 बटा 6, तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 माइनस है पहले से, तो क्या होगा 1 बटा 2 होगा। और C1 अपॉन C2 भी ऐसे देख लें हम लोग, तो ये दिया हुआ माइनस 11 बटा माइनस 22 सॉरी ये जो माइनस है आप इधर लाओगे तो क्या होगा प्लस 22 होगा, तो यह वैल्यू जो होगी प्लस वैल्यू, तो प्लस। अब देखिए 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, तो देखेंगे कि 1 बटा 2 आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखिए ये भी माइनस 1 बटा 2, ये भी माइनस 1 बटा 2 और ये भी माइनस 1 बटा 2, तो हम कह सकते हैं कि ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू सी वन अपन सी टू तीनों क्या है इक्वल है। इक्वल कब होता है जब एक रेखा एक के ऊपर होती है, उस रेखा को क्या कहते हैं संपाती रेखा कहते हैं ठीक है। तो संपाती रेखा क्या होता है संगति होता है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के और ये बराबर है किसके सी वन अपॉन सी टू के और तीनों किसके बराबर है माइनस एक बटा दो के, इसलिए ये कौन सी रेखा है ये रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं, जब संपाती हैं तो क्या होगा अतः ये संगत हैं, ये रेखाएं संगत हैं। नोट करिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या, फोर के बाद क्या कह रहा है फाइव, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, इसमें है फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट, दूसरा है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, तो भाई ये हमारा समीकरण। यहाँ से हम देखेंगे कि ए वन इक्वल टू चार बटा तीन, ए वन इक्वल टू चार बटा तीन, बी वन बराबर आप देखोगे कि बी वन मतलब वाई का गुणांक कितना है दो है दो, सी वन देखिए आठ उधर है तो इधर लाएंगे तो कितना होगा माइनस आठ होगा, ऐसे ए टू भी देखें दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक कितना है दो है, बी टू देखिए कितना है तीन है और सी टू देखिए जो बारह उधर है इधर लाएंगे तो माइनस बारह। अब हमारा काम क्या होता है इसके बाद हम करते हैं अनुपात ए वन अपॉन ए टू जो है चार बटा तीन और बटे में क्या है दो,
तो यहाँ से पहले ही प्रोसेस जो कर चुके हैं वही वाला अपनाया जाए, तो हम देखेंगे कि बटे में एक करके इसको लाट देंगे, तो 4/3 गुणे 1/2, 2 से 4 कितनी बार में, 2 बार में, तो मिला कितना 2/3। अब आप देखोगे कि b1/b2 कितना है, b1 का वैल्यू जो है 2 है, b2 की वैल्यू 3 है, तो 2/3 मिल ही गया ये वाला। और c1/c2 देखिए कितना है, c1/c2 -8/-12, -8/-12। अब देखोगे कि आप ये 8 और 12 दोनों किस संख्या से कट सकता है, 4 से, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। तो हम क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस पहले कैंसिल कीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना है, 2/3। वाह, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों वैल्यू फिर से बराबर। ये कब बराबर हो सकता है, जब कोई रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, ऊपर रहने का मतलब संपाती रेखा हो, ठीक है। तो हम कह देंगे कि चूंकि a1/a2 b1/b2 और ये बराबर है c1/c2 के, तीनों बराबर है, किसके बराबर है, 2/3 के, अतः ये कौन सी रेखा होगी, इसलिए ये संपाती रेखा है, संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखा क्या होता है, एक के ऊपर एक होता है, इतना तो पता ही आपको, एक के ऊपर एक होता है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब अनंत सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा, संपाती होगा, सॉरी संगत होगा, अतः ये रेखाएं क्या रेखाएं, संगत है, संगत है, नोट करिए। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई और लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक। तो बाघ की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, बाघ की बीमाएँ का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो ये सबसे पहले समझने वाली बात है कि हमारे चैप्टर का नाम ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग, तो हमें एक लंबाई को x मानना और चौड़ाई को y मानना है, फिर आगे कैसे लगाते हैं ये देखिए। तो 5वां सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है, 5वां कह रहा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई, माना आयताकार भाग की लंबाई, भाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक, और चौड़ाई बराबर क्या मान लें, y मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, ये सब आप लिख लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई क्या कह रहा है, सॉरी शर्त एक कह रहा हमारा कि बाघ की जो लंबाई है वो ज़्यादा है पहले से, मतलब ये ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से, मतलब ये अगर इसमें हम 4 मीटर डालें, 4 मीटर, तब ना इसके इक्वल होगा, तो ये पहले ही से बड़ा है। तो देखिए क्या कर देंगे, इसको एक्स इक्वल टू इसका चौड़ाई को क्या माने हैं, वाई और प्लस 4। तो देखिए एक्स वाई को इधर लाइए तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद मे भी हो सकता है। तो देखिए दूसरा क्या रहा है कि शर्त देखिए, हम जानते हैं किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई आयत है तो इसका होता है 2l + b, l प्लस बी का मतलब लेंथ और ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है। तो अब दिस देखिए दूसरा शर्त कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लो से लंबाई, चौ से चौड़ाई, है ना, ठीक है। तो ये फिर आयत का परिमाप नहीं दिया हुआ हमें, क्या दिया है, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, है ना। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या कर दें, तो यहाँ पे लिख देंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर दे ले 36, कितना दिया है 36। तो देखिए आयत का अर्ध परिमाप जो है 36 दिया, अर्ध परिमाप क्या होता है, इसका आधा कर दें तो 2 लंबाई + चौड़ाई जो हमारे पास है, लंबाई प्लस चौड़ाई, उसका आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 36, ठीक है। तो लंबाई का मान x माने हैं और इसका मान y माने हैं, तो कितना होगा ये 36 होगा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको ये नहीं कह रहा कि आपको ग्राफी विधि सल करना है कि किस विधि सल करना है, तो हमें क्या करना है, इसे जो विधि आता हो उससे कर लें। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, अगर दोनों को जोड़े तो माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हम कह देंगे कि समीकरण 1 + 2, बस यहीं पे समझने वाली बात थी,
बाकी ये तो आप लगा सकते हो आसानी से। समीकरण एक प्लस समीकरण दो, तो देखिए हमारा समीकरण एक है x माइनस वाई इक्वल टू फोर, समीकरण दो है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो देखेंगे जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 चार 40, और ये देखिए y से y कैंसिल तो 2x बराबर 40। तो x का मान देखिए दो क्या होगा, इधर लाके हम डिवाइड कर देंगे तो 40 बटे में दो इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर, मतलब लंबाई हमारा जो है वो कितना है 20 मीटर है। ठीक है, लंबाई कितना है 20 मीटर है। अब यही x की वैल्यू आप समीकरण एक में रखो या फिर दो में रखो, तो हम एक में ही रख दें, लिख देंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 20 रखेंगे, वहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y को उधर भेज दीजिए जी, 4 को इधर, तो y को हम उधर भेज दिए है ना, 4 को इधर भेजेंगे तो पहले से 20 था और 4 आएगा तो कितना होगा, घटेगा इसमें तो 16। y का मान कितना है 16, अब y क्या हमारा चौड़ाई है, यही हमारा बीमा है ना। देखिए हमारा ये समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों के रूप में एक ऐसी एक और रैखिक समीकरण हमें लिखना है जिसका प्राप्त युग्म का निरूपण ऐसा हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा क्या समांतर रेखाएं हो, तीसरा क्या हो संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो हम लोग प्रतिच्छेदी और संपाती और समांतर रेखाओं की बहुत से परिभाषाएं और सॉरी कह सकते बहुत से इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए हम आसानी से देखते हैं। जैसे कि हमारा ये सॉल्यूशन अगर कह रहा है कि क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ समीकरण है 2x + 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, जिसमें शर्त हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये वाली जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखा, ठीक है, तो इसका कंडीशन होता था a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2, मतलब a1 / a2 बराबर ना हो b1 / b2 के, तो हम x का गुणांक और y के गुणांक को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, और इसमें क्या होता है तीनों इक्वल होता है b1 / b2 और c1 / c2 है ना। तो ऐसे जो समीकरण होता है उसी हिसाब से हमें लिखना है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे कि ये क्या है, पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा लिख सकते हो या फिर प्रतिच्छेद करती रेखा का शर्त, करती रेखाओं रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा, देखिए क्या होगा रेखाएं, इसके लिए कंडीशन होता है a1 / a2 बराबर नहीं होता है b1 / b2 के, इसलिए जो हमारा समीकरण दिया है तो x का गुणांक y कर दिया जाए, y के गुणांक को x में कर दिया जाए, तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 कर दिया जाए अपने हिसाब से, और यहाँ पे 2y - 8 है तो कुछ और बदल दिया जाए, यहाँ पे 5 वगैरह कर दिया जाए, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो है कंडीशन बदल गया था, देखिए 2/3 तो 2/3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 3/2 के या फिर 2/3 के, तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा कह रहा है कौन सी रेखाएं, देखिए समांतर रेखाएं, तो हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं का कंडीशन होता है, उसका शर्त क्या होता है, ये शर्त आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसका भी शर्त ये है, तो इसका कंडीशन होता है a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2 के, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होता है, तो हम क्या करें, अगर 2 है तो 2 से 4 2 × 4 3 है 3 × 6 मतलब उस पर मल्टीप्लाई ऐसा किया जाए कि वो डिवाइड होने के बाद वही वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम 2 है तो 2 × 4 मतलब वही लाना है अनुपात, इक्वल लाना है, 3 है तो 3 × 6 लेकिन ये 8 × 16 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, तीसरा हमें इक्वल नहीं लाना है, तो यहाँ पे मान लीजिए 25 कर दीजिए आपके हिसाब से इक्वल टू 0, ये कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन हमारा क्या कह रहा है इसमें, संपाती रेखा, तो संपाती रेखा का भी कंडीशन देख लीजिए, संपाती रेखा रेखाएं, संपाती रेखाओं का कंडीशन शर्त जो होता है a1 / a2 बराबर होता है b1 / b2 का, और ये बराबर होता है c1 / c2 मतलब जो वैल्यू दिया है ना उसी में कुछ से मल्टीप्लाई, मान ले 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से या 3 से जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं, ये 2x है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसलिए इसको 4x, उसको 6y, इसको 8 × 16 कर देंगे। ठीक है, तो 6y - 8 × 16 = 0 ये हमारा कौन सा रेखा है, तो लिख देंगे आता ये संपाती रेखा है। इसको नोट करिए,
अगला हमारा सवाल जो है वो फिर ग्राफ पे है, तो ग्राफ को हम ग्राफ पे ही कॉपी पे लगा के आपको ऐड करके वीडियो दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए YS Academy।